हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, घर से लेकर जंगल, जंगल से लेकर गांव, गांव से लेकर फिर शहर तक की सारी जानकारी, वो नई चीज़ें, नई बातें, नई जानकारियां मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। शायद वो आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं। तो चलिए, इस नए वीडियो के साथ आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक आपको और भी अच्छी चीज़ें, नई जानकारी मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो है, तो लास्ट तक बने रहिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी हम तोड़ रहे हैं, ये फल एक ऐसा फल है जो दिखने में काजू की तरह दिखता है, लेकिन ये काजू नहीं है, ये जंगल का ही कोई एक फल है। ये लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फल ऐसा फल है जिसको बहुत ही सावधानी से इसको तोड़ना पड़ता है। जैसे दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत रसदार दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसमें अगर तोड़ने में अगर थोड़ा सा भी अगर आप लापरवाही किए तो इसका सजा आपको बहुत ही बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, गुच्छा गुच्छा दिख रहा है, अंगूर की तरह, काजू की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको अगर जितना अच्छा दिखता है उतना ही इसका जो सजा होता है, लापरवाही की सजा बहुत ही भयानक होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो पहले के आदि मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज हैं वो आदि मानव थे, वो यही सब फल खा के बहुत ही मजबूत रहते थे। उन लोगों को किसी तरह की कोई ज़्यादा उस तरह से बीमारी नहीं होती जैसे कि अभी होता है। तो इसी तरह की क्या बहुत कुछ अनेक प्रकार के फल फ्रूट्स खाते थे, जिससे कि उनके शरीर भी काफ़ी हद तक हट्टा कट्टा मजबूत बलवान होते थे। वो किसी भी जानवरों को शिकार करने में बिल्कुल आसानी से कर लेते थे। तो ये फल वही फल है जो हम अभी आप लोगों को बता रहे, दिखा रहे हैं। मुश्किल है, सावधानी से तोड़ने से आपको भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इसे जो फल अभी हम दिखा रहे हैं, ये फल हम लोग तरफ इसको भेला के नाम से जानते हैं, भेला कहते हैं। जो इसको सही तरीके से अगर नहीं तोड़ने से इनका जो रस होता है वो इंसान के शरीर पे अगर पड़ जाए तो बहुत ही कष्ट होता है। जो इसके पूरे बॉडी में छाला जैसे हो जाता है, बहुत खुजली होता है। इसको जितने ही खुजलाएंगे उतना ही और भी बड़ा होते जाता है, फूलते जाता है। तो अगर इसको बिना सावधानी से करे तो बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अगर ना करे तो बहुत ही पूरे शरीर में छाला जैसे हो जाता है। कभी कभी किसी किसी को इसके छाये से भी उनके ऊपर पूरे बॉडी में पूरा छाला जैसे होता है। इसलिए अभी हम ये देख रहे हैं, अभी इसको बहुत सावधानी से तोड़ रहे हैं, दूर से ही इसमें डंडे से पीट रहे हैं। तो देखिए, बहुत सावधानी से इसको तोड़ना पड़ता है। अगर गलती से भी इसका रस पड़ गया तो कहा जाता है कि अगर ये भेला अगर किसी के ऊपर हो जाता है तो कहा जाता है कि जो तेन का पेड़ होता है, जिसको चिरचट्टा का पेड़ भी कहते हैं, इसको आगे हम दिखाएंगे बताएंगे, उसको पीटना पड़ता है। और कहा जाता है ये भी कि उसको नंगा होकर पीटना पड़ता है। तो ये बहुत कठिन है। तो इस बीमारी का इलाज, इस भेला जिसके ऊपर होता है, इसका एक ही उपाय है कि जो तेन का पेड़ होता है उसको नंगा होके पीटना। ये बहुत अजीब सा दवा है, तो इसलिए इसको बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, बहुत सावधानी से तोड़ना पड़ता है, खाना पड़ता है। इनका स्वाद तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसको कलेक्ट करना, इसको तोड़ना बहुत उतना ही कठिन होता है। कि अगर गलती से भी इसका अगर रस, इसका जो रस जो बॉडी के ऊपर लग जाए तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत होता है। सब फेंका जा रहा है, डोरी तो रहे कहीं तो उधर तक पूरे से। ऊपर तो अभी हम जो पीटे हैं, जो ऊपर से पीट के डंडे से जो गिराए हैं, उसको अभी उठा रहे हैं, क्योंकि अगर इसको अगर छोटा पेड़ है तो उसको डंडे से पीटना पड़ेगा, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उसको डंडे से पीटना पड़ेगा, और बड़ा पेड़ है तो उसमें चढ़ के भी तोड़ सकते हैं। लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है कि उसके छाये में जाने से भी भेला हो जाता है और उसका फूल जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, काजू की तरह दिखता है, खाने में बहुत अच्छा स्वाद देता है। अभी हम खोज रहे हैं पत्तों में, ऊपर से पीटने के बाद नीचे गिर गया है, उसको हटा के थोड़ा उठा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिखने बहुत अच्छा दिख रहा है,
अभी हम उठाने के बाद उस पेड़ को भी दिखाएंगे जो हम बताएं कि इसके जो हो जाने के बाद उस पेड़ को पीटना पड़ता है, नंगा होकर पीटना पड़ता है। तो हम आगे हम बताएंगे उस वीडियो को, इसके बारे में बताएंगे वो कौन सा पेड़ है, वो कैसा होता है। तो आइए बने रहिए, अभी हम लोग उठा रहे हैं, अभी चलेंगे थोड़ी देर में हम लोग उस पेड़ को भी, वो भी उसका फल भी खाया जाता है, उसका फल भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा स्वादिष्ट होता है। तो हम लोग अभी उठाएंगे। चलिए हम उस पेड़ को भी दिखाते हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसकी दवाई है। तो आइए हम आगे अब बताते हैं। ये देखिए, ये तेन का पेड़ है जिसको चिरचिटा का भी पेड़ बोला जाता है। इसको जलाने से क्या होता है कि चिटचिटाता है, उसमें से कुछ चिंगारियां निकलती हैं। तो ये देखिए, ये वही पेड़ है जिसके बारे हम बता रहे थे। ये बहुत अच्छा फला है, इसको भी खाया जाता है, ये भी बहुत अच्छा मीठा लगता है। तो अभी हम लोग इसको भी तोड़ेंगे। ये देखिए, पकने के बाद इस तरह से पीला होता है, येलो कलर का हो जाता है। ये भी कच्चा है, ग्रीन ग्रीन है। इसको थोड़ी देर आम की तरह, आम के जैसे इसको भी रखने से ये भी पक जाता है और बहुत अच्छा मीठा लगता है। ये जो पेड़ देख रहे हैं, जो फल देख रहे हैं, इससे धूम्रपान भी बनाया जाता है। जैसे इसी पौधे इसी पेड़ के पत्तों से बीड़ी बनता है जिसको लोग पीते हैं। और ये पेड़ है करवन का, जिसको करौंदा भी बोला जाता है। हम लोग तरफ गांव में इसको करवन बोलते हैं, करौंदा बोलते हैं, जिसका अचार बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही लाजवाब रहते हैं। तो जंगल का जो करौंदा का जो पेड़ होता है, उसका जो फल होता है, फल छोटा छोटा होता है। ये देखिए, अभी फूल खिला है और फूल खिलने के बाद ये फलेगा। इसका फल बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इधर कुछ फला भी है जो ब्लैक कलर का होता है, पकने के बाद ये ब्लैक कलर का होता है, और जो कच्चा होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कच्चा है, और ये जो जो तोड़ रहे हैं, ये देखिए ब्लैक कलर का है। खाने में बहुत ही अच्छा मीठा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए, और अभी ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये फल देख रहे हैं, ये और भी लाजवाब फल है। ये फल, अभी ये जो फला है ये कच्चा है इसलिए ग्रीन दिख रहा है, पकने के बाद ये भी ब्लैक कलर का ही हो जाता है। पका हुआ खाने बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा मीठा लगता है। और ये जो फल देख रहे हैं, ये भी काफ़ी महंगा बिकता है। जैसे अभी अगर इसको मार्केट में बेचेंगे, इसका जो बीज रहता है, इसको बेचने से लगभग 1000 रुपये किलो तक भी बिकता है। इसका जो फल होता है, इसका जो अंदर का जो बीज होता है, उसको निकाल के बेचने से 1000 रुपये तक किलो तक का बिकता है। हमें ऐसा लगता है कि इससे महंगा और कोई ऐसा फल नहीं होगा जो बिकता होगा शायद ही। तो इसका जो बीज होता है, इसको लोग अनेक प्रकार की मिठाइयाँ वगैरह बनते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, जो काफ़ी महंगे दामों में बिकते हैं। और इसको रोटी के साथ भी खाते हैं, रोटी में उसको मिला के बना के खाते हैं, दाल जैसा उसमें बना के डाल के उसमें खाते हैं, पका के खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी इसका जो अभी पका हुआ है, जो पका हुआ फल को खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। इसका पकने के बाद और भी अच्छा दिखता है, स्वादिष्ट लगता है, उसको आप आसानी से उसको आप खा सकते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग तोड़ रहे हैं इसको, उसके बाद इसमें से बीज निकालेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो इधर कच्चा भी है और कुछ थाली में इधर पका हुआ दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। ये देखिए, इधर भी काफ़ी ऊपर है, ये देखिए हम ऊपर फला हुआ है। ये देखिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको भी मौका मिले तो एक बार ज़रूर इस फल को खाइए और आनंद लीजिए, स्वाद लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है। इसको हम लोग पियार बोलते हैं, पियार के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, बट हम लोग तरफ इसको पियार के नाम से जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग अब इसको चढ़ेंगे, तोड़ेंगे।
ये देखिए यहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इसको हम लोग अभी तोड़ेंगे, तोड़ के ले जाएंगे, उसके बाद उसमें का बीज निकाल के उसको हम लोग जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उसके बाद कई प्रकार की इससे मिठाइयाँ बनाई जाती है, तो हम लोग भी इससे कुछ मिठाइयाँ या फिर उसमें रोटी में डाल के उसको अच्छी तरह से बना पका के खाने से बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट आता है, बहुत ही स्वाद अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जंगल का फल है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।